टिम्बक्टू, तुम ये किसे लेकर आ गए? बॉस बॉस, ये अम्ब्रेला मैन है। यहाँ बरसात तो हो नहीं रही, ले जाओ इसे। मुझे कोई छाता नहीं खरीदना। तपती धूप, बरसता पानी, सबकी कर दूं खत्म कहानी, क्योंकि मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। अम्ब्रेला मैन, 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 अम्ब्रेला मैन। मैड बॉस, फायर करो और मुझे हिट करके दिखाओ। मेरा नाम मैड मैक्स है। तुम्हारे छाते मेरी लेजर बीम्स को रोक नहीं सकते। कैसे हो मैड बॉस? अब समझ में आया, मैं छातों का सौदागर नहीं, मैं छातों का सरदार हूँ। देखा मेरे सिपाहियों की ताकत? ये लेजर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। बस बस, समझ गया, तुम बहुत काम के आदमी हो। जाओ वीर द रोबो बॉय को खत्म कर दो। तुम जो मांगोगे मिलेगा, जाओ। ओके मैड बॉस, थैंक यू। मेरा नाम मैड मैक्स है, मैड बॉस नहीं। कितनी गर्मी पड़ रही है, पसीने की बरसात हो रही है। सचमुच बरसात जो आती तो मौसम ठंडा हो जाता। अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। लो चुलबुल, खुश हो जाओ, बरसात होने वाली है। जिंटू क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हमारे ऊपर ही पानी कैसे बरस रहा है? मत करो ऐसा। ठीक है, मैं पूरे फुर्सतगंज में बरस जाता हूँ। ओए बंटी की मम्मी, बंटी बाहर आओ। ओए देखो कितनी बरसात हो रही है। ओ बल्ले बल्ले, याहू 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 याहू। ओह मेरी कमर। क्या हुआ पापा? मेरी पतली कमर में भी पहुंच आ गई। मजा आ गया। चुलबुल इस तरह किसी पे हंसते नहीं है, बुरी बात है। उठाओ मुझे। पापा। चलो, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई आ जाओ। अरे भाई साहब, ये छाता कितने का है? ये सब छाते फ्री हैं। जिसे लेना है फ्री में ले जा। मुफ्त मुफ्त, एकदम मुफ्त। एक फ्री छाते पर दूसरा छाता फ्री। पापा पापा, वो फ्री छाता दे रहे हैं, चलो ले लेते हैं। छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। रोबो बॉय, रोबो बॉय, हेल्प! ये सब क्या हो रहा है? जरूर इसे मैड मैक्स ने भेजा होगा। इमली चुलबुल, तुम लोग सामने मत आना, ठीक है? मैं अभी आया। और चिल्लाओ, वो आएगा, जरूर आएगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें। रोबो बॉय, नाइस मीटिंग यू। तपती धूप, बरसता पानी, सबकी कर दूं खत्म कहानी, क्योंकि मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। तुम्हें रोबो बॉय चाहिए? मैं आ गया हूँ, इनको छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। Thank you.
दूर ले जाना होगा, वरना औरों को लेजर बीम्स लग सकती हैं। चुलबुल को भी यहाँ बुला लेता हूँ, उसे बादलों पे घुमाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा। उसे यहाँ गाजर भी खिलाऊंगा। वाव, इतनी सारी गाजर, मजा आ गया। चुलबुल, नीचे सब मेरी बरसात का मजा ले रहे हैं ना? अगर इसे बता दिया नीचे क्या हो रहा है तो ये चला जाएगा और वीर की मदद करने की बजाय गड़बड़ ही करेगा। इसे यहीं रोक के रखना होगा और तब तक मजे से गाजर भी खाता रहूंगा मैं। बताओ बताओ। सब ठीक है, सब ठीक है, वीर है ना, सब संभाल लेगा। बस वो छाते उड़ते हुए दिख रहे हैं ना, वो कुछ लोगों को तंग कर रहे हैं। मैं जाके वीर की मदद करता हूँ। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? तुम पॉपकॉर्न खाने आए थे, मैं गाजर खा रहा हूँ। चलो चलो पॉपकॉर्न खाओ। बादलों पे बैठकर पॉपकॉर्न खाने में बड़ा मजा आएगा। सिपाहियों, रोबो बॉय को पकड़ लो, खेल लो उसे। रोबो बॉय, तुम्हारे अंत की शुरुआत है। लेट्स गो होम बॉयज। मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। स्टार सूट ऑन। नहीं, मेरे छाते इतनी मेहनत से बनाए थे ये छाते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। एक्स्ट्रा पावर ऑन, एक्स्ट्रा पावर ऑन। निकले ना तो उंगली टेढ़ ही कर लेनी चाहिए। तुम मेरे जाल में फंस गए हो रोबो बॉय। चलो चलो मैड मैक्स के पास चलते हैं। चलो। ड्रिल सूट ऑन, ड्रिल सूट ऑन। हेलो, हाउ आर यू? तुमने मेरे छाते में छेद कर दिया। I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अम्ब्रेला मैन। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। चुलबुल, क्या हुआ? नीचे चलो, बस ग्रैंड फिनाले देखना है, बाकी सब हो गया है। अभी लो। मुझे डर लग रहा है। अब वो अम्ब्रेला मैन वाला गाना गाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोबो बॉय, मैं गांव जा रहा हूँ, वहाँ जाके छाते बेचूंगा। मैं छातों का सरदार नहीं, सौदागर बनूंगा। बाय।
वही पता नहीं इतनी जल्दी सात क्यों भर जाते हैं। ये क्या, कोई बेडशीट ऐसे नीचे पड़ी है, टेबल गिरा हुआ है और चीजें इधर उधर पड़ी है। कोई कहीं भतीजे के साथ कुछ, भतीजा किडनैप हो गया। चाचू कोई भतीजे, जब मैं सुबह उठा ना तो रूम की हालत देख के मुझे लगा कि। अरे चाचू वो तो मैं क्लासेस के लिए लेट हो रहा था तो इसलिए जल्दबाजी में। तो ऐसा हुआ था। ओए भतीजे इतनी सुबह सुबह कौन सी क्लासेस थी। अरे चाचू मेरी कंग फू क्लासेस। वाह भतीजे ये तो कमाल हो गया। ये तो कंग फू अंकल का कमाल है, वो स्ट्रिक्ट है लेकिन कंग फू क्या कमाल का सिखाते हैं। यार ये भतीजा अपने चाचू को भूल गया है, अब तो सिर्फ कंग फू चाचा के ही गुणगान गाने लग गया। भतीजा मेरे हाथों से नहीं निकल सकता, उसे किडनैप करने की क्या जरूरत हुई। अरे पिंग पोंग जी क्या है ना, आप उसे दबोच सकते हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। आप जब तक उसे पकड़ के रहेंगे हम म्यूजियम से फ्रांस का पेंटिंग चुरा लेंगे। हाँ और वो पेंटिंग पंटूश नगर में सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा है। तुम लोगों को जान लेकर आना होगा। हाँ पिंग पोंग जी समझे, बिल्कुल समझे। चाचे जैसा बनने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या तोड़ना और तुड़वाना पड़ेगा। खोजी सिंह के ये स्प्रिंग वाले जूते यूज करके भतीजे को दिखा दूंगा कि उसका चाचू इस कंग फू चाचू से भी बढ़िया है। चाचू आ चाचू। हयो आप ठीक तो हो चाचू, आपको लगी तो नहीं। ओए नहीं ओए कंग फू चाचा को लगती नहीं। चाचू कंग फू ऐसे नहीं करते, अब देखिए कंग फू चाचा की ट्रेनिंग का कमाल। ओए वाह भतीजे वाह, ओए तूने तो कमाल कर दिया। ओए भतीजे ये बिना पहिए की गाड़ी मुझे विदाउट टिकट कहाँ ले जा रही है। चाचू डरना नहीं मैं आ रहा हूँ। ओए ओए ये कंग फू तो महंगा पड़ गया। ओए 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 मेरी पर्स की गड्डी का ब्रेक नहीं है, अपनी गड्डी को रोक लो। ओए भतीजे मैं बचा। मैं आ रहा हूँ चाचू। भतीजा ढोलकी, जिसको पकड़ने के लिए पिंग पोंग ने नेट लाने के लिए बोला था वो तो खुद ही नेट लेके भाग गया। ओए
भतीजे, वो तेरे होते हुए पला चाचा को कुछ हो सकता है। अरे जिनसे ये नेट लिया था वो कहाँ गए? अरे भतीजा, ये तो मेरा नेट है। दो लोग मेरी दुकान से इसे चुरा कर भागे थे। हाँ, वो लोग चोर थे। चलो चोर न सही, लेकिन माल तो हाथ लग गया। थैंक यू भतीजा, थैंक यू वेरी मच। स्पेशल ट्रेनिंग अभी इसी वक्त। चाचू, कंगफू चाचा ने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। ओए भतीजे, हमें तो घूमने जाना था ना। अभी नहीं चाचू, बाद में, बाय। ओए इस कंगफू चाचा के चक्कर में भतीजा मेरे साथ टाइम ही नहीं बिता पा रहा है। देखता हूँ ये कंगफू चाचा ऐसी क्या स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। अंदर और बाहर हर जगह जान रेडी है, अब देखते हैं कैसे बचता है भतीजा। आप जैसे ही उसे किक मार के खिड़की से बाहर फेंकोगे, हम नेट में उसे कैच कर लेंगे। हाँ जीजे, और फिर म्यूजियम में आराम से चोरी करेंगे। भैया भतीजा आ गया, टेक योर पोजीशंस। भतीजा, आज तुम्हारा ट्रेनिंग का आखिरी दिन, अब तुम्हारी परीक्षा है, अब करेंगे फ्लाइंग किक। रेडी भतीजा, जंप। ओए कहाँ फंसा दिया? ओए मैं मछली थोड़ी हूँ और जो मुझे जाल में डाल दिया। ये कंगफू चाचा ने इतनी जोर से लात क्यों मारी और मैं खिड़की से बाहर क्यों नहीं गिरा? अच्छा, तो ये कंगफू चाचा के साथ मिलकर डंका ढोल की मुझे पकड़ना चाहते हैं। मुझे किसी भी तरह इनके जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें हर खतरे के लिए रेडी रहना होगा, अब अंदर के रूम में तुम्हारी असली एग्जाम है। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। चुपचाप पड़े रहे चाचा, तू अब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वैसे तो कायदे से भतीजे को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम बीच में आ गए। कोई नहीं ढोलकी, अंदर पिंग पोंग भतीजे को दबोच लेगा। चलो। भतीजे का किडनैप? भतीजा स्टार्ट। अरे पिंग पोंग जी, क्या कर रहे हो? वक्त निकलता जा रहा है और आपके सारे जाल नाकाम हो रहे हैं। दम लगा के ईशा। बहुत हुआ खेल, अब भतीजा तुम्हें मेरे साथ दो हाथ करने होंगे। डंका ढोलकी, ना ये पिंग पोंग मुझे पकड़ पाएगा और ना ही तुम लोग चोरी कर पाओगे, क्योंकि बंदूक नीजी ऑलरेडी वहाँ फोर्स लेके रेडी है। सुना पिंग पोंग जी, अब तो हम म्यूजियम में चोरी भी नहीं कर पाएंगे। ओ म्यूजियम, थैंक यू। बंदूक नीजी, आप म्यूजियम पहुँच जाइए, इन्हें मैं संभालता हूँ। खुल गयी पोल, भतीजे ने फिर से उल्लू बनाया, उनको तो पता ही नहीं था म्यूजियम के बारे में। ना, 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 ना। Ha! 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 Ha
लगा लेने का होगा बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।